फैब्रिक है, कलमकारी प्रिंट है फैब्रिक पे, और जो कि हमने 2.5 मीटर लिया है, और इसकी विथ है 44 इंचेस मैंने लिख रखा है इसमें, पर ये 45 इंचेस तक है लगभग। एंड इसको पहले हम बनाने के लिए पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारी विथ थी इसकी 44 इंचेस, उस तरफ से पहले इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद लेंथ जो थी 2.5 मीटर, वैसा उस तरफ से पहले इसके बाद फोल्ड करेंगे, और फोल्ड इतनी करेंगे जितनी हमारी हिप राउंड है, हिप राउंड का 4 से डिवाइड करके और 5 इंचेस प्लस करके उसको फोल्ड करके और यहाँ से मार्क करके कट करके अलग कर लेंगे। और कट करके अलग करने के बाद वो ये हमारा 4 पार्ट आ गया इसमें, और ये हम ऊपर का जो रहता है पहले से साइड वाला पार्ट, उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। वो हमारी सिलाई मिनी आनी चाहिए, इससे सिलाई खींचती है और फटने की भी, कपड़ा फटने की भी जल्दी संभावना रहती है। इसके बाद हम नी लेंथ तक इसका ले लेंगे, 16.5 इंचेस मैं ले रही हूँ, और इसमें हमारा बेल्ट भी इंक्लूड है। इसके बाद हम बेल्ट का मार्क कर लेंगे, जो कि हमने इसमें 2 इंचेस रखा है, वो मार्क करके उसका सीधा लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो बंट साइड है उस तरफ से 1/2 इंचेस करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और बाकी का जो मार्क करेंगे हम उस 1/2 इंचेस को माइनस करके ही मार्क करेंगे। इसके बाद हिप साइज का 4th भाग इसमें 2 प्लस करके ले लेंगे, जो कि हमारा आया 11 इंचेस, और इधर मैं ले रही हूँ वो वाला 11 इंचेस, और उसमें 2 प्लस एक्स्ट्रा मार्क करके ले रही हूँ। तो ये हम एक यहाँ से बराबर करके एक लाइन इसका भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे भी हमने 13 इंचेस मार्क करके ये हम लाइन ड्रॉ कर लिए। इसके बाद जो हमारा बेल्ट वाला जो 11 इंचेस लिए थे वहाँ पे ये मार्क करके यहाँ पे भी एक सीधी लाइन बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। ये 1 इंचेस राउंड दे देंगे। इसके बाद हम थाई वाला जो एरिया है उसका बीच निकाल लेंगे, बीच का भाग ये निकाल करके, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पहले हम कट करके अलग कर लेंगे। तो थाई का परफेक्ट मेजरमेंट करने के लिए ये हमने बेल्ट वाला भाग से मार्क करके और इसको ऊपर की तरफ ले लिया। इसके बाद जो हमारा बीच वाला भाग है ये देखिए 17 इंचेस आया है पूरे कमर से लेकर के। इसका हम समझिए कि एक पैंट का मेजरमेंट ले रहे हैं, हम पैंट बना रहे हैं, गरारा बनाने के लिए पैंट का एक मार्क कर रहे हैं, बस इसमें फैब्रिक नहीं है। तो पहले हम एक तरह से ये बॉक्स बना लेंगे दोनों साइड का, जहाँ पे हमने मार्क किया था वो उस तरफ का बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद जो हमारा बीच वाला भाग था उस तरफ से बीच का निकाल लिए पार्ट, और पैंट का जो मोहरी बनाते हैं हम लोग वो जो मार्क करते हैं, आप जितना मार्क करते हैं उतना ले लीजिए, हमने दोनों तरफ 3.5 इंचेस एंड 3.5 इंचेस करके मार्क कर लिया है। इसके बाद जो हमारा सेब हंटी की मदद से पेंट में जो हम ड्रॉ करते हैं लाइन साइड वाला, वो हम इस तरह से मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा थाई वाला जो एरिया है उसका परफेक्ट मेजरमेंट आ जाए। तो ये हमने दोनों तरफ से कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये परफेक्ट आ गया है। हम वैसे भी लगा सकते थे, बस हम समझाने के लिए हमने बता दिया आप लोगों को, और इसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो पहले हम आसन वाला जो पार्ट है उसको कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद इस साइड वाला हम कट करेंगे, इसको हम राउंड तरफ से कट करेंगे बस थोड़ा सा नीचे से। तो ये पहले हम आसन वाला पार्ट कट करके अलग कर लेते हैं, ये हमारा कट हो गया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा कट करेंगे और इस तरफ को भी कट करके अलग कर लेंगे। अगर इस तरफ हमारा पॉकेट वगैरह लगता है, साइड वाला भाग है ये। इसके बाद हम इसका आसन अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड एक तरफ है ही पहले से, तो हम इसको इधर उधर नहीं करेंगे, पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो आसन वाला भाग हमारा स्टिच हो गया, ये हो गया स्टिच। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद राइट साइड को राइट साइड तरफ रखते हुए हम इसका साइड स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहो तो
राइट साइड की तरफ पॉकेट भी लगा सकते हो, हमने लगाया था, बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और इसका साइड स्टिच कर लेंगे, साइड ये हमारा स्टिच हो गया है। इसके बाद हम इसको आसन वाला पार्ट, आसन जो स्टिच किया था मैंने, उसको बराबर भागों से मिलाते हुए पहले हम बेल्ट वाला भाग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इलास्टिक लेंगे, इलास्टिक इतनी लेंगे जितनी हमारी कमर है, उसमें लगभग 3 इंचेस माइनस करके ले लेंगे। इसके बाद इसको पिन की मदद से इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद ओवरलैप करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हल्का हल्का सा खिंचाव देते हुए हम इसको बराबर भागों में मिला लेंगे। इसके बाद ट्विस्ट करते हुए सिलाई कर लेंगे, तो हमारा ये रबर सिक्योर हो जाएगा इलास्टिक। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, जो कि बचा हुआ है मेरे पास, इसको पहले हम फोल्ड विथ वाइज में कर रहे हैं, जितनी हमारी 44 इंचेस जो आई थी उस तरफ से फोल्ड कर रहे हैं। और इसकी लंबाई मेरे पास है लगभग, ये देखिए विथ हमारा आ गया 23 इंचेस। तो मैंने बताया था ना लगभग ये हमारा 45 इंचेस तक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम इसकी मैं लंबाई भी बता दूँ कितनी है, चौड़ाई लग मान के चलेगी, ये चौड़ाई हो गई हमारी घेर की चौड़ाई, तो ये 1 मीटर एंड 1.75 मीटर तक है। तो ये हम मार्क करके बता रही हूँ आपको, ये हम पहले 1 मीटर तक किया था, ये हो गया 1/2 मीटर, और ये हमारा 25 सेंटीमीटर बच गया। तो ये हो गया ना 1.75 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हमने जो फोल्ड किया था फोल्डेड साइड से इसको कट करके अलग कर लेंगे। कट करके अलग करने के बाद उसी साइड से हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये हमारा दोनों पाँव का हो गया। अब जिस साइड से हमने कट किया था उस साइड से हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे हम। और मैं बता दूं कि मैं इसका नीचे वाला ना कट करके अलग कर रही हूँ और ना ही उसको फोल्ड करूँगी, मैं ऐसे ही रखूँगी, तो वो हमारा ना खुलेगा, कुछ भी नहीं होगा। जिस साइड से हमने कट किया था उस साइड से कच्ची सिलाई लगाने के बाद एक गैदर कंप्लीट कर लेंगे। गैदर कंप्लीट करने के बाद हल्का हल्का सा उसको करेंगे। ये नहीं कि मेरा ये होता है कि अक्सर ये गैदर बनाते हुए धागा अक्सर टूट जाती रहती है, तो उसको धीरे धीरे से करें। मैंने एक पाँव का कंप्लीट कर लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से कंप्लीट करनी है, और इसको गैदर बनाते वक्त ये आपने मेजर करते रहना है उस वो जो थाई वाला एरिया था उसको रख के, तो परफेक्ट आएगी। और इसको सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए इसको रख लेंगे और एक पाँव का हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने मिला लिया, ये हमारा परफेक्ट आ गया। इसको हम स्टिच कर लिए, स्टिच एक साइड मैंने स्टिच कर लिया था और एक साइड अभी मैं बताई हूँ, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये अब हो गया। और अब हम क्या करेंगे, आसन टू आसन मिलाते हुए इसका साइड स्टिच कर लेंगे। ये हमारी लास्ट सिलाई होगी इसकी। और एक बात, और अगर ये हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, और मैं आगे दिखाऊंगी पहन के भी।